नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीएससी आईएएस एग्जाम के अंदर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इकोनॉमिक सब्जेक्ट से मॉनेटरी पॉलिसी का एक डिटेल वीडियो लेक्चर। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 13 मई से हम अपना वीडियो कोर्स और मटेरियल कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसके अंदर आपको जनरल स्टडीज के 8 सब्जेक्ट्स के पूरी की पूरी वीडियो सीरीज आपको वहाँ पर उपलब्ध होगी। तो उसके लिए आपको रजिस्टर करवाना है, तो रजिस्ट्रेशन के लिए पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर ले। और 13 मई 2018 से पहले रजिस्टर करने वाले स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स को हम अर्ली बर्ड डिस्काउंट दे रहे हैं। तो सारी डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए मेल आईडी के ऊपर प्राप्त कर सकते हैं, तो वहां पे जाके जरूर देखें। तो भाई मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसके अंदर से क्वेश्चंस यूपीएससी किस तरह से लेके आता है, तो पहले हम देखेंगे कि मेन का कौन सा क्वेश्चन है। मेन्स के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज लिक्विडिटी ट्रैप। भाई तो ये जो क्वेश्चन है वो भी एक क्वेश्चन है मॉनेटरी पॉलिसी बेस। इसके अलावा जो एक प्रीलिम्स के अंदर पूछा गया क्या क्वेश्चन है, वहां पे भी हम नजर डालते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन मॉनेटरी पॉलिसी से आते हैं। रिस्ट्रिक्शन ऑफ इन्वेंटरी एंड स्टॉक मींस, सेंट्रल मॉनेटरी अथॉरिटी कैरीज आउट द एसेंशियल फंक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड ऑल सोशल इकोनॉमिक क्लास ऑफ पीपल, जिसके लिए ऑप्शंस भी दिए गए, बैन ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेंटरीज बाय सेंट्रल मॉनेटरी अथॉरिटी, बोथ ऑफ अबव और नन ऑफ दिस। यानी कि ये जो क्वेश्चन है वो मॉनेटरी की पॉलिसी, ये आपको पूरे का पूरा वीडियो लेक्चर्स देखने के बाद आपको पता चलेगा कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है और किस तरह से वर्क करती है। क्योंकि एक नेशन को रन करने के लिए चाहिए पैसा, तो भाई पैसा कहाँ से आता है और किस तरह से मैनेज होता है, किस तरह से इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल लाया जा सकता है, किस तरह से डिप्रेशन वाली सिचुएशन को भी कंट्रोल में लाया जा सकता है, आरबीआई किस तरह से रोल प्ले करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या रोल है, तो ये सारी सिचुएशन किस तरह से कंट्रोल में आती है, मॉनेटरी कैसी पॉलिसी कैसे वर्क करती है, ये पूरी डिस्कशन आज हम इस वीडियो के दौरान करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों कि आज हम क्या देखने वाले हैं। यहाँ पे हम देखने वाले हैं मॉनेटरी पॉलिसी इन इकोनॉमिक क्लास। आपने बहुत ही अच्छी तरह से सुना होगा, जबने आप इकोनॉमिक की क्लास आपने जब भी अटेंड की होगी, मॉनेटरी पॉलिसी कहीं ना कहीं आपको सुनने में जरूर आया होगा। भाई मॉनेटरी पॉलिसी इंडिया के अंदर किस तरह से फॉर्म हुई है, किस तरह से इंट्रोड्यूस हुई है, यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी का फ्रेमवर्क किस तरह से है, मॉनेटरी पॉलिसी की कमिटी क्या है, MPF, MPC, इवन मॉनेटरी पॉलिसी की जो प्रोसेस है वो किस तरह से होती है, और ये सब जो चीज है, शुड अ कंट्री नीड अ मॉनेटरी पॉलिसी, इसका आंसर इस वीडियो लेक्चर से मिलेगा। कौन बनाता है मॉनेटरी पॉलिसी, पर्पस क्या होता है मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का, इसके अलावा व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स यूज फॉर मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो हमें यहां से पता चलेगा। सो लेट्स सी द होल आर्टिकल, होल लेक्चर, उसके बाद आपको मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया के लिए कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं व्हाट इज मीन्ट बाय मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी रिफर्स टू द पॉलिसी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन मैटर्स ऑफ इंटरेस्ट रेट, मनी सप्लाई एंड अवेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। भाई मॉनेटरी पॉलिसी है वो क्या है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पॉलिसी है जो तीन चीजों के ऊपर काम करती है, मैटर ऑफ इंटरेस्ट, अलग अलग तरह के बैंक के जो इंटरेस्ट होते हैं उसके ऊपर, मनी की जो सप्लाई होती है कि मार्केट में अभी पैसों की कितनी डिमांड है और कितनी उसकी सप्लाई करनी चाहिए, और इसके अलावा अवेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, अगर कहीं पे लोन या डिपॉजिट की रिक्वायरमेंट है तो कितनी अवेबिलिटी के ऊपर वो चीज दी जानी चाहिए। इसके अलावा क्या करती है मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। इसके अलावा क्या करती है कि भाई जो मॉनेटरी पॉलिसी के जो इंस्ट्रूमेंट्स है, अलग अलग 9 तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा CRR, SLR, रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट, तो ये सारी चीजें क्या है और इसके अंदर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अगर हम शॉर्ट में कहें कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो कंट्रोल होती है मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, और ये सारी चीजें करता है कौन, सेंट्रल बैंक, यानी कि हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका अल्टीमेट गोल ये है कि जो हमने इकोनॉमिक पॉलिसीज जो हमने बनाई है उसका सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन हो और फ्रूटफुल रिजल्ट्स हमें मिल सके, तो ये सारी चीज़ें होगी। तो हमें ये क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास इस तरह के राइट्स कहाँ से आते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी को
जनरेट बनाएगा और वहां पे इंप्लीमेंट करवाएगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो 1935 में आई थी, 1 अप्रैल 1935, उनका एक एक्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, उसके अंदर एक अमेंडमेंट भी आया है, तो वो भी हम देखेंगे कि कौन से ईयर में क्या अमेंडमेंट आया था। तो वहां से एक प्रोविजनल राइट मिलता है मॉनेटरी पॉलिसी को बनाने का, और वहीं से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्रिएट होती है मॉनेटरी एक्टिविटीज को नेशन के अंदर सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करवाने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया। भारत के अंदर जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है उसका प्राइम गोल क्या है? पहले तो मेन गोल एक है कि भाई प्राइस स्टेबिलिटी, देश के अंदर एक इक्वल सिचुएशन यहाँ पे बनाए रखना कि हर इंसान हर चीज के ऊपर बाय और सेल की एक्टिविटी के ऊपर इसका कंट्रोल हो, और किसी भी चीज के दाम इतने ना बढ़ जाए, क्योंकि इन्फ्लेशन की जो डेफिनेशन है वही सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑथर ने दी है, वो ये है कि इन्फ्लेशन माने टू मच गुड, टू मच मनी बिहाइंड टू फ्यू गुड्स, कि भाई थोड़ी सी चीज बाय करने के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसा ना देना पड़े, यानी कि प्राइस को कंट्रोल में रखना, प्राइस को स्टेबिलाइज मोड के ऊपर रखना, ये इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा जो प्राइम ऑब्जेक्टिव ये है कि ये तो प्राइस कंट्रोल तो हमें देखना ही, इसके अलावा द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ कि प्राइस स्टेबिलिटी के साथ साथ जो ग्रोथ है वो भी कंटिन्यूअस बेसिस पे एक माइल्ड रेट पे ग्रोथ होना चाहिए, क्योंकि माइल्ड इन्फ्लेशन इज इक्वल टू ग्रोथ ऑफ द नेशन और माइल्ड ग्रोथ ऑफ द नेशन। इसके अलावा जो है कि ग्रोथ के अलावा जो डेवलपमेंट है वो हमारा सस्टेनेबल ग्रोथ के साथ होना चाहिए। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, प्राइस स्टेबिलिटी के ऊपर भी नजर बनाए रखनी है, जिससे होगा क्या कि भाई ग्रोथ होगा कौन सा वाला, सस्टेनेबल ग्रोथ होगा। एंड टू मेंटेन द प्राइस स्टेबिलिटी इन्फ्लेशन नीड टू बी कंट्रोल, क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा तब जाके मॉनेटरी पॉलिसीज सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हुई है, ऐसे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने इन्फ्लेशन के लिए हर 5 साल के लिए टारगेट सेट किए हैं, और इसके अंदर सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाती है हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्यों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भूमिका निभाती है? क्योंकि वहाँ पे एक्ट के अंदर यहाँ पे दिया गया 1934 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर ये राइट्स रिजर्व बैंक को मिले हैं कि भाई इन्फ्लेशन के रिलेटेड जो भी टारगेटिंग पॉलिसीज फॉर्मुलेट करनी है सारी की सारी पॉलिसीज आरबीआई जनरेट करेगा, और इसके अलावा जो अभी हमारे करंट इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क्स के जो प्लान है वो सारे के सारे प्लान इंडिया ने अभी फ्लेक्सिबल मोड के ऊपर रखे हैं, इतना रिजिड नहीं बनाया है कि अगर कोई मॉडिफिकेशन या चेंज हमें लाना हो तो वो सक्सेसफुली ना लाया जा सके। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क, जिसे शॉर्ट में FITFP कहा जाता है, तो ये क्या है और किस तरह से ये वर्क करता है? इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क है वो एक फ्लेक्सिबल चीज है, तो किस तरह से है? नाउ देयर इज अ फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क इन इंडिया। वो कब से आया है? आफ्टर द 2016 अमेंडमेंट ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, जो 1934 वाला पुराना एक्ट था उसका अमेंडमेंट आया 2016 के अंदर, वहां पे ये टर्म सबसे पहले कॉइन हुई कि भाई फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क। हु सेट इन्फ्लेशन टारगेट्स इन इंडिया? इन्फ्लेशन के जो टारगेट्स होते हैं वो किस तरह से होते हैं आगे हम वो भी डिस्कस करेंगे, और उसके मार्जिन रेट्स क्या होंगे यहाँ पे हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं। तो द टारगेट टू बी सेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वंस इन एवरी 5 ईयर। आगे की स्लाइड में जब हमने आपको बताया कि 5 साल के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्फ्लेशन टारगेट सेट करती है, तो इसके ऊपर नजर कौन बनाए रखता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और वही सारी चीजों को मॉड्यूलेट भी करता है। तो करंट इन्फ्लेशन टारगेट्स इंडिया ने क्या सेट किए हैं? 4% कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेस के ऊपर इन्फ्लेशन रेट अभी जो मेंटेन हमने 4 सालों के लिए किया है वो है 4% स्टार्टिंग फ्रॉम 5th August 2016 टू 31st March of 2021। तो इतने टाइम पीरियड के लिए हमने जो इन्फ्लेशन टारगेट रेट डिसाइड किया हुआ है वो है 4% ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो ये चीज याद रखिए। और इसके ऊपर जैसे कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट होती है, उसी तरह से यहाँ पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेस के ऊपर जो इन्फ्लेशन रेट हमने डिसाइड किया है तो उसका जो अपर लिमिट है वो है 6%, यानी कि 4 से ज़्यादा जा सकता है इन्फ्लेशन 6% तक, और कम से कम कहाँ तक जा सकता है?
2% तक, यानी कि 4 से अगर नीचे जाता है तो सिचुएशन मार्केट में हो रही है डिप्रेशन वाली, 4 है यानी कि स्टैग्नेंट है, और 6 तरफ जा रहा है तो इसका मतलब है इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है। इसके अलावा यहाँ पे जो फेलियर की अचीवमेंट होगी कि कब कैसी स्थिति का निर्माण होने के बाद हम कह सकते हैं कि हमारा जो इन्फ्लेशन टारगेट सेट किया हुआ है उसके अंदर हमें फेलियर देखने को मिलती है, तो इसमें दो बातें हैं कि अगर 2% से नीचे चला जाता है यानी कि 1.99 या फिर उससे कम, तो ये प्लान जो है हमारा फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट फ्रेमवर्क वो फेल हुआ है, पहली बात। दूसरी कौन सी कंडीशन है, अगर 6% से ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाता है तब भी हमें फेलियर का सामना देखने करने को मिलता है, और ये चीजें अगर 3 क्वार्टर तक कंसेक्यूटिव देखने को मिलती है यानी कि 9 महीनों तक ऐसी सिचुएशन कॉन्स्टेंटली हमें देखने को मिलती है, या तो 6% से बढ़ गया है इन्फ्लेशन रेट या फिर 2% से घट गया है, तो ये जो पूरा हमारा इन्फ्लेशन टारगेटिंग प्लान है, हमारा जो फ्रेमवर्क बनाया गया है, उसका हमें कंटिन्यूस फेलियर देखने को मिल सकता है। तो आगे देखते हैं मॉनिटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क यानी कि MPF क्या है और ये किस तरह से बना हुआ है। व्हाइल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट द फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क इन इंडिया, इट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विच कोऑपरेट द मॉनिटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑफ द कंट्री। ये यहाँ पे बताया गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है मॉनिटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क्स बनाना, तो ये सारी चीजें इसको ऑपरेट करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो भी पॉलिसीज बनाई जाती है उसकी सारी की सारी ऑपरेशनलाइजेशन एक्टिविटी किनके कंट्रोल में होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द अमेंडमेंट बिल जो आया है 2016 में, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लेजिस्लेटिव मैंडेट यानी कि पावर्स देते हैं ऑन पेपर कि आप मॉनिटरी पॉलिसी को लेके और उसके फ्रेमवर्क को लेके आप ऑपरेटिंग सारे एक्टिविटीज अपने खुद अपने दम पे कर सकते हो। इसके अलावा जो फ्रेमवर्क एम्स एट सेटिंग द पॉलिसी ऑफ रेपो रेट बेस्ड ऑन द असेसमेंट ऑफ द करंट एंड इवॉल्विंग मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन। अब मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन वो होती है जो ओवरऑल एज अ नेशन एज अ होल देखी जाए, और उन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए और करंट सिनारियो को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेपो रेट वगैरह और उनके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी को फ्रेम करने के, तो उनको स्टडी करने के बाद फ्लेक्सिबल मोड के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके अलावा जो लिक्विडिटी है उनकी कंडीशन को देखते हुए उनके अंदर मॉड्यूलेशंस की एक्टिविटी करेंगे, इवन एंकर मनी मार्केट रेट एट और अराउंड द रेपो रेट। तो ये जो बातें हैं रेपो रेट, ये आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। एंकर मनी क्या है इसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे, और लिक्विडिटी और इसके रिलेटेड जो भी रेट्स हमें आगे दिखाए गए हैं मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स, इसका हम डिटेल में आगे जाने के बाद डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी होती है जो ये मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करती है, तो किस तरह से मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी बनी है और किस तरह से ये वर्क करती है, इसके ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं कि इंडिया के अंदर जो पॉलिसी इंटरेस्ट रेट है उसको अचीव करवाने के लिए, जो इन्फ्लेशन टारगेट रेट हम डिसाइड करके बैठे हैं 4%, उसको अचीव करवाने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी के अंदर 6 मेंबर्स होते हैं, और ये बनी किस तरह से है कि भाई इसके अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल गवर्नमेंट के दोनों के मेंबर्स होते हैं, और ये कौन सी सेक्शन के ऊपर बेस्ड है, तो यहाँ पे जो पावर्स मिलते हैं वो है सेक्शन 45ZB जो कि 2016 के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अमेंडमेंट बिल से आते हैं। तो MPC इज रिक्वायर्ड टू मीट एटलीस्ट 4 टाइम इन अ ईयर, यानी कि साल में 4 बार इनको कंपल्सरीली मिलना है, और इनका जो कोरम होता है, कोरम यानी कि द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू बी प्रेजेंट टू कंटिन्यू द मीटिंग, दैट इज नोन एज कोरम। अगर किसी मीटिंग को कंटिन्यू करना है तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए कमिटी से, तो वो है यहाँ पे दिए गए हैं 4 मेंबर्स होने चाहिए, और यहाँ पे टोटल कितने मेंबर्स होते हैं, 4 to 6 मेंबर्स यहाँ पे टोटल होते हैं। हर मेंबर के पास एक वोट करने का राइट होता है, और इन केस ऑफ कहीं पे भी इक्वल वोट्स होते हैं तो जो गवर्नर होते हैं उनके पास एक और वोट होता है जिसे कह सकते हैं कि कास्टिंग वोट या फिर सेकंड वोट, उनके पास ऐसे सिर्फ पावर सिर्फ गवर्नर के पास है। तो आगे देखते हैं, द रेजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय MPC इज टू बी पब्लिश्ड आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ एवरी मीटिंग। हर बार साल में 4 दफा मिलते हैं, हर मीटिंग के बाद जो भी कंक्लूजन निकल के आते हैं उन लोगों को वो कंक्लूजन को
पब्लिश करवाना है वंस इन एवरी 2 मंथ. द रिजर्व बैंक इज रिक्वायर्ड टू पब्लिश अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड मॉनिटरी पॉलिसी रिपोर्ट. तो ये रिपोर्ट्स पब्लिश होते हैं उसे कहा जाता है मॉनिटरी पॉलिसी रिपोर्ट, MPR. टू एक्सप्लेन, यहाँ पे दो चीजें हमें स्पेसिफिकली बतानी है कि द सोर्स ऑफ इन्फ्लेशन. अगर आपने इन्फ्लेशन को कैलकुलेट किया है कि इन्फ्लेशन जो 4% होना चाहिए वो या फिर मैक्सिमम 6% तक हो सकता है या मिनिमम 2% तक हो सकता है, तो उसके अंदर आपने जो कैलकुलेशंस किए हैं, तो कैलकुलेशंस करने के लिए जो मैक्रो इकोनॉमिक्स लेवल के ऊपर आपने स्टडी की है, तो कहाँ से आपने ये डेटा एक्वायर किया है, पहली ये चीज़ हमें डिटेल में बतानी है. इसके अलावा एक फोरकास्ट देना है कि आगे जाने वाले 6 महीनों से लेके 1.5 साल तक यानी कि 18 महीनों तक के टाइम पीरियड में इन्फ्लेशन की सिचुएशन और परसेंटेज किस तरह से रहेंगे. तो इस तरह से मॉनिटरी पॉलिसी की कमिटी होती है और ये वर्क करती है, जिसके अंदर एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि 6 मेंबर्स होते हैं, 4 to 6. मिनिमम कोरम टू कंटिन्यू द मीटिंग शुड बी 4 मेंबर्स. इसके अलावा जो एक हर मेंबर के पास एक वोट होता है, गवर्नमेंट के पास एक कास्टिंग वोट का पावर है. इसके अलावा मीटिंग होने के बाद मीटिंग के रिपोर्ट्स हमें रिप्रेजेंट करने हैं, पब्लिश करने हैं, और उस रिपोर्ट को कहते हैं मॉनिटरी पॉलिसी रिपोर्ट. और उसके अंदर दो चीज़ बतानी है, सोर्सेस ऑफ इन्फ्लेशन और फोरकास्ट ऑफ इन्फ्लेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ 6 मंथ टू 18 मंथ. तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, मॉनिटरी पॉलिसी की जो रचना है उसके अंदर जो 6 मेंबर्स है वो किस तरह से और कहां कहां से आते हैं, इसके अंदर हम एक नजर डालते हैं. ये जो आया है वो सबसे पहला है 2016 के अमेंडमेंट से. तो सबसे पहली जो मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी बनी है तो वो बनी है सितंबर 2016 के अंदर, सबसे पहली बार बनी है, ये पहली वाली है. तो इसके अंदर कौन कौन है और किस तरह से है, एक तो है गवर्नर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के होते हैं, उसे चेयरपर्सन की पोस्ट दी जाती है. उसके अलावा डेप्यूटी गवर्नर होते हैं, उसे वो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बिलोंग करते हैं और वो इंचार्ज ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी की भूमिका अदा करते हैं और वो एक मेंबर के तौर पर देखे जाते हैं. इसके अलावा एक ऑफिसर होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, जिसको नॉमिनेट करती है सेंट्रल बोर्ड और वो भी एक मेंबर की भूमिका अदा करते हैं. इसके अलावा श्री चेतन घाटे जो एक प्रोफेसर है, इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट मेंबर है, वो भी एक मेंबर की तरह वर्क करेंगे. तो ये इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ये सेंसस के साथ भी कनेक्टेड होती है ये इंस्टीट्यूट, वहां पर भी ये डेटा प्रोवाइड करती है. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर जो भी स्टडीज करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है सोर्स ऑफ इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने के लिए, वहां पे ये जो प्रोफेसर साहब है जो इस कमेटी के अंदर वर्क करते हैं वो काफी अच्छी भूमिका अदा करते हैं. इसके अलावा है प्रोफेसर पामी दुआ जो एक डायरेक्टर की भूमि जो एक डायरेक्टर है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के, और वो भी मेंबर की भूमिका अदा करते हैं. तो भाई पब्लिक के साथ इनका काफी कनेक्शन है और वहां पे इकोनॉमिक्स किस तरह से वर्क करता है और कहां कहां चेंजेस लाने हैं, तो कमिटी के अंदर ये भी काफी हद तक अपना योगदान दे पाएंगे. और इसके अलावा है मिस्टर रविंद्र एच ढोलकिया जो प्रोफेसर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी कि IIM अहमदाबाद से, जो भी एक मेंबर की भूमिका अदा करते हैं. और ये जो सारे मेंबर्स होते हैं उनका जो लाइफ स्पान होता है ये पोस्ट के ऊपर रहने का, इस कमिटी के अंदर एज अ प्रेजेंट रहने का एज अ मेंबर, वो होता है 4 साल. और इन 4 साल के बीच में अगर कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती है कि उनको ऑफिस से हटाया जाना पड़े, तो वो भी यही चीज होती है कि इट इज नॉट अबाइडेड बाय लॉ कि उन लोगों को 4 साल कंप्लीट करने हैं, वो उससे पहले भी ऑफिस छोड़ सकते हैं या फिर गवर्नमेंट भी उनको उस कमेटी से निकाल सकती है. तो यहाँ पे देख लेते हैं, 6 मेंबर्स, गवर्नर, डेप्यूटी गवर्नर, एक ऑफिसर जो सेंट्रल बोर्ड के द्वारा नॉमिनेटेड होता है जो कि होते हैं रिजर्व बैंक से ही है, यानी कि रिजर्व बैंक के यहाँ पे 3 लोग होते हैं. फिर एक होते हैं IIM और IIT जैसे इंस्टीट्यूट्स के अंदर से आने वाले, एक है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के एक मेंबर है और एक है इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट. तो दोस्तों काफी इजी है ये कमेटी याद रखना कि 6 मेंबर्स कहाँ से आते हैं. तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों किस तरह से होती है. और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली और याद रखने वाली बात यह है कि 4 साल का टाइम पीरियड हर मेंबर के लिए होता है और ये कमिटी जो है वो भी सिर्फ 4 साल चलती है, 4 साल के बाद में ये नई कमिटी बनती है. तो ये भी एक हिडन क्वेश्चन है जो यहाँ से ध्यान में रखने वाली बात है, क्योंकि UPSC इसी तरह के क्वेश्चन हमें पूछा करती है. तो आगे देखते हैं कि मॉनिटरी पॉलिसी प्रोसेस क्या होती है और किस तरह से ये वर्क करती है, जिसे शॉर्ट में MPP कहा जाता है. मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी डिटरमाइंस द पॉलिसी इंटरेस्ट रेट रिक्वायर्ड टू अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट्स. तो भाई ये जो मॉनिटरी
कमिटी है वो एक पॉलिसी फॉर्मुलेट करती है जिसके अंदर इंटरेस्ट रेट किस तरह से लगाने हैं ताकि जो हमने इन्फ्लेशन रेट डिसाइड किया हुआ है 4% उसको अचीव किया जा सके। अगर मान लीजिए एक सिचुएशन है जहां पे 3% अभी इन्फ्लेशन रेट है और हमारा टारगेट है 4%, तो हमें 4% तक पहुंचने के लिए किस तरह से हमें रेट्स को चेंज करना है उसके ऊपर हम नजर डालेंगे। बाद में हमें पता चलेगा कि इस तरह की हमें पॉलिसीज फॉर्मुलेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट रेट। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है द रिजर्व बैंक्स मॉनिटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट, ये मॉनिटरी पॉलिसी का जो डिपार्टमेंट होता है जिसे शॉर्ट में MPD कहते हैं, वो असिस्ट करते हैं मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी को क्या करने के लिए, पॉलिसीज फॉर्मुलेट करने के लिए। इसके अलावा ये कहाँ से एक डेटा एक्वायर करते हैं, जो की स्टेक होल्डर्स होते हैं इकोनॉमी के अंदर उन लोगों को, और एनालिटिकल वर्क करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत ताकि मॉनेटरी पॉलिसीज जो बनाई जा सके कि अगर करंट सिचुएशन 4 से बिलो या अबव है तो उसको 4 तक लाने के लिए किस तरह से वर्कआउट करना है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई डिपार्टमेंट सबसे हेल्पफुल एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा निम्नलिखित RBI को करता है तो वो है मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट विच इज़ वर्किंग अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया to decide the rates and interest rate and the policies regarding repo rates. इसके अलावा जो financial markets operational department, ये भी एक reserve bank of India का department है जो पूरी की पूरी operational activities करता है और ये day-to-day basis के ऊपर work करता है जिससे कि liquidity management और liquidity management operations की activity को कंट्रोल में रख सके और इसके ऊपर पूरी सुपरविजन लगाए रखे। तो दोस्तों लिक्विडिटी वर्ड ये यहाँ पे तीसरी या चौथी बार आया है तो मैं आशा करता हूँ कि आपको लिक्विडिटी पता है, और अगर आपको लिक्विडिटी नहीं पता है तो लिक्विडिटी यानी द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ लिक्विडिटी इज द कैश ऑन हैंड, द कैश विच इज विथ बैंक और द कैश विच इज विथ RBI और द कैश विच इज विथ द नेशन एज अ होल। जो अमाउंट मार्केट में फ्रीली मूव कर रही है या फिर कर सकती है उस अमाउंट को लिक्विडिटी कहते हैं। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है तो ये वर्ड आपके लिए नया हो सकता है। इसके आगे चल के बात करते हैं द फाइनेंशियल मार्केट कमिटी, तो ये क्या है, ये भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत वर्क करने वाली एक कमेटी है। फाइनेंशियल मार्केट कमेटी मीट्स डेली to review the liquidity condition to ensure that the operating target of the monetary policy. तो यहाँ पे जो firm है FMOD, the Financial Markets Operation Department, ये भी daily basis के ऊपर work करता है लेकिन ये liquidity के management के ऊपर work करता है। Whereas the Financial Market Committee, ये दो चीज़ें हैं जो काफ़ी confusing है, तो याद रखिए कि Financial Market Committee है वो daily meet करते हैं कि वो जो यहाँ पे क्या चेक करते हैं कि लिक्विडिटी की कंडीशन क्या है और जो ऑपरेटिंग टारगेट्स रहेंगे मनी की डिमांड को नजर में रखते हुए बैंक के लिए, तो उसके ऊपर मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेट करने के लिए जो सुपरविजन वर्क करते हैं वो है फाइनेंशियल मार्केट कमिटी। और जो फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन डिपार्टमेंट है वो क्या करते हैं, ऑपरेशनलाइज द मॉनेटरी पॉलिसी मेनली थ्रू डे टू डे लिक्विडिटी मैनेजमेंट ऑपरेशन। तो यहाँ पे कन्फ्यूज ना होइए, दोनों चीज़ों को ठीक से पढ़िए। अगर आपको पता नहीं चला क्या हुआ तो फिर से एक बार रिवाइंड करके सुन लीजिए, कंफ्यूजन यहां पे नहीं होना चाहिए, ये कंफ्यूजिंग पॉइंट है, फोकस करके देख लीजिए एक बार। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स, ये जो पूरा लेक्चर है यहां पे अगर सबसे कोई कोर पार्ट है इस लेक्चर का तो ये है MPI, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स। अगर मॉनेटरी पॉलिसीज फॉर्मुलेट करनी है तो उसको अच्छी तरह से कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे 9 ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स है मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स जो RBI ने सजेस्ट किए हैं, और इस तरह से RBI वर्क करती है मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने के लिए, और इवन जो प्राइस स्टेबिलिटी और जो सस्टेनेबल ग्रोथ की हमने बात की, इवन टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन रेट इन द नेशन, तो ये सारी चीज़ें किस तरह से वर्क करती है इसके लिए हमने देखे थे वर्ड्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, और इन डेफिनेशनों में आपको मिलेगा एक वर्ड लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी और इंटरबैंक क्या होती है, तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट काफ़ी ऐसे
इंस्ट्रूमेंट्स है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कि इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल लाया जा सके इन्फ्लेशन के ऊपर। तो रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट काफी ऐसी सिमिलर टर्मिनोलॉजीज देखने में आती है, तो डिटेल में देखते हैं रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट क्या है। रेपो रेट जो है द फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट एट विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स ओवरनाइट लिक्विडिटी टू बैंक। तो यहाँ पे पहले एक स्टॉप ले लेते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब दूसरी बैंकों को फंड प्रोवाइड करती है तो उस फंड्स प्रोवाइड किए जाने वाले फंड्स के ऊपर जो रेट लगाती है उस रेट को बोलते हैं रेपो रेट। लेट मी जस्ट रिपीट इट वंस अगेन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब दूसरी बैंकों को फंड्स देती है तो उस फंड के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है उस रेट को बोलते हैं रेपो रेट। और ये फंड प्रोवाइड करवाने के ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उन लोगों से कोलेटरल्स ऑफ गवर्नमेंट एंड अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज की डिमांड करती है। जैसे कि लोन लेते समय हम कुछ मॉर्गेज करवाते हैं, उसी तरह से वो फंड देने के समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उन बैंकों से गवर्नमेंट की कुछ कोलेटरल्स या फिर सिक्योरिटीज लेती है अंडर द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो इसके ऊपर भी हम आएंगे लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या है। उसके बाद देखते हैं रिवर्स रेपो रेट, यानी कि इसका उल्टा, जब बैंक के पास अपनी रिक्वायरमेंट से ज्यादा पैसा आ जाता है तब वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अपना एक्सेस फंड देते हैं, और उस दिए गए फंड के ऊपर जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनको इंटरेस्ट देती है इंटरेस्ट, तो उस रेट को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। यहाँ पे एक बार इंग्लिश में रीड कर लेते हैं, द फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट एट विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अब्सॉर्ब्स लिक्विडिटी ऑन ओवरनाइट बेसिस फ्रॉम बैंक्स अगेंस्ट द कोलेटरल्स ऑफ एलिजिबल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अंडर द लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो यहाँ पे रिवर्स रेपो रेट दो चीजों के समय होता है, एक जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इन्फ्लेशन वाली कंडीशन को कंट्रोल में लाना है यानी कि इन्फ्लेशन रेट को नीचे लाना है, तब एक रिवर्स रेपो रेट के अंदर चेंज देखने को मिलता है। इसके अलावा जब खुद ब खुद बैंक के पास ज्यादा पैसे आ जाते हैं और उसके सामने लोन्स लेने वाले इतने लोग नहीं रहते हैं तब बैंक्स अपने आप सामने जाके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अपना एक्सेस फंड देती है जिससे कि वो भी रेट अर्न कर सके, जो रिवर्स रेपो रेट का मार्जिन है वो एज अ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न कर सके। तो ये दो कंडीशन में रिवर्स रेपो रेट यूज होता है। इवन रेपो रेट जो है, तो अगर मार्केट में डिप्रेशन वाली सिचुएशन है और उस मार्केट की डिप्रेशन वाली सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है उसको इंक्रीज करना है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगी कि भाई मार्केट के अंदर जो पैसों कि लिक्विडिटी है उसको बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोनों गवर्नमेंट बैंक्स और नेशनलाइज्ड बैंक्स को फंड प्रोवाइड करेगी, वो भी बहुत नेग्लिजिबल रेट के ऊपर। तो वहां पे रेपो रेट का यूज होता है। आगे चल के देखते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या है। द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट कंसिस्ट ऑफ ओवरनाइट एज वेल एज टर्म रेपो ऑक्शन। तो ये एक दिन का भी होता है और इवन फॉर अ टाइम स्पान होता है, जैसे कि 7 दिन, 15 दिन, 30 दिन, 6 महीने, इस तरह से लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी जो होती है उसका एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड होता है। तो उसे एक एक चीज इसके अंदर ये होती है। इसके अलावा द रिजर्व बैंक हैज इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ लिक्विडिटी इंजेक्टेड अंडर द फाइन ट्यूनिंग वेरिएबल रेट रेपो ऑक्शन ऑफ रेंज और टेन्योर। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उन्होंने लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी को काफी बढ़ावा दिया है ताकि जो भी रेपो रेट ऑक्शंस होते हैं और इवन जो रेट्स होते हैं उसको अवेलेबल मार्केट के जो बैंक्स है उसको अगर वहां पे अवेल करना है इस फैसिलिटी को तो वो इजीली इसको एक्सेस कर सके। इसके यहाँ पे जो रेट्स रखे गए हैं वो फाइन ट्यूनिंग के तौर के ऊपर रखे गए हैं, अफोर्डेबल चार्ज रेट्स रखे गए हैं। इसके अलावा द एम ऑफ टर्म रेपो इज टू हेल्प एंड डेवलप द इंटर बैंक टर्म मॉनिटरी मनी मार्केट। तो जब इंटर बैंक मनी मार्केट क्या होता है कि अगर एक बैंक दूसरी बैंक को मॉनिटरी हेल्प प्रोवाइड करती है, सपोज ए बैंक को फंड्स नहीं चाहिए जबकि बी बैंक्स को वहां पे फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो ये एक दूसरे को जब इंटरनली फंड एक्सचेंज करते हैं तो वहां पे एक्सचेंज जो फंड होता है फॉर द टाइम पीरियड ऑफ 1 डे, 7 डेज, 15 डेज और 13 डेज। तो यहाँ पे जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई जो पॉलिसीज है उसके ऊपर बेस्ड होती है। इवन
यहाँ पे बेंचमार्क्स रखे गए हैं, प्राइजेस रखी गई है लोन्स और डिपॉजिट्स के लिए कि भाई कितने लोन्स और कहाँ का मार्जिन सेट मार्क्स होते हैं, जैसे फॉर 50 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज इसके ऊपर डिफाइन की हुई है, प्री डिफाइंड बेंचमार्क्स रखे गए हैं आरबीआई के द्वारा, तो इसके ऊपर ये वर्क करता है। इवन यहाँ पे एक चीज और देखने वाली है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंडक्ट्स वेरिएबल इंटरेस्ट रेट रिवर्स रेपो ऑक्शंस। इवन जिस तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको सेल करती है उस तरह से बाय भी करती है, तो दोनों एक्टिविटीज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे ऑक्शन के मोड के ऊपर करती है। ऑक्शन आप लोगों को पता है एज नेसेसिटेटेड अंडर द मार्केट कंडीशन, मार्केट कंडीशन में जिस तरह की सिचुएशंस होंगी डिप्रेशन या इन्फ्लेशन वाली, उसके ऊपर से रेपो ऑक्शन करना है कि रिवर्स रेपो ऑक्शन करना है, वहां के जो इंटरेस्ट रेट होंगे उसमें जो पॉजिटिव नेगेटिव चेंजेस लाने की जरूरत होगी, तो मार्केट कंडीशन को ध्यान में रखते हुए मॉनिटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स का एडवांटेज लेते हुए लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का यूज किया जाएगा फॉर द यूज ऑफ चेंज इन रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। तो आगे बढ़ते हैं और कौन कौन से अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास है, देखते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है। तो ये एक फैसिलिटी है, इट इज नॉट रेट, इट्स अ फैसिलिटी। तो किसको मिलती है फैसिलिटी और किन के द्वारा मिलती है? अ फैसिलिटी अंडर विच शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स कैन बोरो एन एडिशनल अमाउंट ऑफ ओवरनाइट मनी फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो पहले देख लीजिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास से अगर कोई कॉमर्शियल शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक पैसा लेना चाहती है तो वो कौन से माध्यम से ले सकती है? तो उस माध्यम का नाम है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इससे आगे लिखा गया है, बाय डिपिंग इनटू देयर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो पोर्टफोलियो अप टू अ लिमिट एट अ पेनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये फैसिलिटी अगर आपको एक्वायर करनी है, ये फैसिलिटी एक्वायर करने के बाद होगा क्या कि आपका एक स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होगा, उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे व्हाट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो उसके ऊपर अगर आपको पैसा चाहिए जो मिलेगा आपको सिर्फ अपने स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो वाले अमाउंट से, तो उस अमाउंट से आपको अगर पैसा लेना है या निकालना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास से, तो उसके ऊपर एक पेनलाइज हल्का सा एक रेट लगाया जाएगा, क्योंकि जो बैंक है उसका फॉर्मेशन कौन से बेस के ऊपर है? शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक है, दीज आर नॉट नेशनलाइज बैंक। तो इसके ऊपर एक पेनलाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो काफी कम अमाउंट में होता है, और इसे एक सेफ्टी वाल भी कहा जाता है अनएंटिसिपेटेड लिक्विडिटी शॉक्स को। बैंकिंग सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं हर जगह पे देखा जाता है कि जो प्रिडिक्टेड ट्रांसफॉर्मेशंस लगाए जाते हैं कि बैंक को आने वाले सप्ताह के दौरान इतने अमाउंट की विड्रोवल की रिक्वायरमेंट है, लेकिन अगर उस अमाउंट से विड्रोवल बढ़ जाता है तो बैंक के लिए वो एक बैंकिंग सिस्टम के लिए अनएंटिसिपेटेड लिक्विडिटी शॉक माना जाता है। तो उस समय पे ये जो फैसिलिटी है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है और बैंक को काफ़ी हेल्प मिलती है, उसके ऊपर इन लोगों को एक पेनलाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। आगे देखते हैं कॉरिडोर क्या होता है, कॉरिडोर क्या होता है देखते हैं। मनी मॉनिटरी पॉलिसी के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर एक वर्ड है कॉरिडोर, तो उसके ऊपर एक डिस्कशन कर लेते हैं। द एमएसएफ माने मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एंड रिवर्स रेपो रेट डिटरमाइन द कॉरिडोर फॉर द डेली मूवमेंट इन द वेटेड एवरेज कॉल मनी रेट। आपको एमएसएफ अभी समझ आ गया है, इसके ऊपर हमने रिवर्स रेपो रेट डिस्कस कर लिया, ये समझ आ गया है। तो इसका जो टाइम बेज, इसका जो डेली मूवमेंट है, इसका जो फ्लक्चुएशन है, उस फ्लक्चुएशन को कहते हैं कॉरिडोर, और उस कॉरिडोर से पता चलता है कि वेटेड एवरेज कॉल मनी रेट क्या आएगा। कि अगर इस दोनों चीजों को मिला के देखा जाए कि अगर बैंक को, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई से पैसे लेने हैं, तो उस पैसे के ऊपर जो मनी रेट रहेगा, तो एवरेज कॉल मनी रेट, जो मनी रेट रहेगा वो कितना रहेगा, तो यहां से पता चलेगा कॉरिडोर से। और कॉरिडोर एक रेंज होती है, जैसे कि सपोज 4.25% टू 4.30%, तो ये कॉरिडोर इस तरह से बनता है, याद रखिए किस तरह से होता है कॉरिडोर, कुछ इस तरह से होता है। इसके बाद हम बात करते हैं बैंक रेट की।
देखने में तो आता है कि बैंक रेट यानी कि बैंक में जो लोन के लिए रखा गया रेट है उसे बैंक रेट कहा जा सकता है, लेकिन नहीं, मॉनिटरी पॉलिसी के टॉपिक के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसके अंदर बैंक रेट की डेफिनेशन कुछ अलग है। बैंक रेट्स इज अ रेट एट विच द रिजर्व बैंक इज रेडी टू बाई और रीडिस्काउंट बिल ऑफ एक्सचेंज और अदर कॉमर्शियल पेपर्स। यानी कि अगर आपके पास कॉमर्शियल पेपर है, अगर आप बैंक है और आपके पास कॉमर्शियल पेपर है, तो अगर जो आरबीआई आपसे वो मैच्योरिटी डेट से पहले वो बिल ले लेती है, तो वो बिल लेने के ऊपर जो परसेंटेज लगाती है कि इतने परसेंट चार्ज होंगे, तो उस परसेंटेज को बैंक रेट कहा जाता है। इसके अलावा द बैंक रेट इज पब्लिश्ड अंडर सेक्शन 49 ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। तो इसका एक सेक्शन याद रखिए कि भाई बैंक रेट जो वर्ड है वो कहाँ से आया है, कौन सी सेक्शन को बिलोंग करता है, कहाँ पे मेंशन हुआ है, तो सेक्शन 49 के ऊपर। और इसके आगे चल के देखते हैं ये कौन कौन से रेट्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो रिजर्व बैंक के अंदर जो बैंक रेट है इट इज बीन अलाइंड टू एमएसएफ रेट, यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का जो पेनलाइजिंग रेट होता है उसके साथ ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। यानी कि अगर बैंक रेट्स के अंदर मूवमेंट्स देखने को मिल रही है तो उसका कोर रीजन है ये है कि भाई मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के अंदर भी आपको सेम तरह की मूवमेंट देखने को मिल रही है, वेदर इट इज अ चेंज इन द पॉलिसी ऑफ रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट। तो ये सारी चीजें बैंक रेट के साथ कनेक्टेड है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं पूरी स्लाइड को। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है? शेड्यूल कमर्शियल बैंक को अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास से अपने स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो वाली अमाउंट में से पैसे चाहिए तो वो पैसे उसे एक पेनलाइज रेट के तौर पर मिलेंगे। और जो रिवर्स रेपो रेट है और ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है उसका जो रेंज बनता है उस रेंज को बोलते हैं कॉरिडोर। इसके बाद हम आए हैं बैंक रेट के ऊपर। तो बैंक रेट क्या है कि जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी भी बैंक के पास से मैच्योरिटी डेट से पहले किसी भी बिल को डिस्काउंट करवाता है, डिस्काउंट के तौर पे ले लेता है, तो उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज या फिर कॉमर्शियल पेपर को और रीडिस्काउंट बिल को कहा जाता है, उसके ऊपर जो रेट लगाया जाता है उस रेट को कहा जाता है बैंक रेट, विच इज गिवन इन सेक्शन 49 ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ये 1934 वाला पहले का जो एक्ट है उसके अंदर ही सेक्शन 49 के अंदर ये बात बताई गई है, ना कि 2016 वाले अमेंडेड आरबीआई एक्ट के अंदर। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कैश रिजर्व रेशियो काफी इजी टर्मिनोलॉजी है। जो बैंक को डेली एवरेज बैलेंस मेंटेन करवानी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास उसे बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। और यहाँ पे एक परसेंटेज दिया जाता है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी को ध्यान में रखते हुए अपना कैश रिजर्व रेशियो हर बैंक को मेंटेन करवाना होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। और ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो कैश रिजर्व रेशियो को टाइम टू टाइम रिवाइज करती है और नोटिफाई करती है द गैजेट ऑफ इंडिया से। द गैजेट ऑफ इंडिया में रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो और सारे बैंक रेट, सारी डिटेल्स गैजेट ऑफ इंडिया के अंदर टाइम टू टाइम चेंजेस के ऊपर जब भी चेंज होती है तो आरबीआई नोटिफाई करती रहती है। इसके अलावा पहले की स्लाइड में हमने देखा था एसएलआर, जिसका फुल फॉर्म है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो ये क्या है? द शेयर ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी दैट अ बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन इन सेफ एंड लिक्विड असेट, यानी कि NDLT के अंदर जो बैंक को कंपल्सरीली एक बैलेंस रिक्वायर्ड है लिक्विडिटी असेट और सेफ को मिलाते हुए जो अमाउंट मेंटेन करनी है, या फिर वो चीज़ हो सकती है कैश के अंदर, वो चीज़ होती है अनइनक्यूबर्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी के तौर पे, कैश के तौर पे या फिर गोल्ड के तौर पे, या तो गोल्ड हो, कैश हो या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो, जो चाहे वो अनएंकम्बर्ड मोड के अंदर भी क्यों ना हो। और ये सारी चीजें स्टैच्यूटरी लिक्विड रेशियो के अंदर मेंटेन करवानी है हर बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। तो इसके अंदर के चेंज के लिए क्या दिखा गया है? चेंज इन एसएलआर ऑफन इन्फ्लुएंस द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन द बैंकिंग सिस्टम फॉर लैंडिंग टू द प्राइवेट सेक्टर। जो अगर प्राइवेट सेक्टर के अंदर कोई बहुत बड़ी लैंडिंग करनी है तो इसके अंदर सबसे ज्यादा चेंज देखने को मिलता है। और ये जो स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है इसके अंदर ज्यादातर चेंजेस शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स के अंदर सबसे ज्यादा मूवमेंट्स देखने को मिलती है। इसके अलावा बात करते हैं ओमोस की। ओपन क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो यहाँ पे दो एक्टिविटीज होती है,
यहाँ पे या तो आप परचेज कर सकते हो, सेल परचेज या फिर सेल कर सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी को, और ये उस समय पे होता है या तो मार्केट के अंदर आपको पैसे लाने हैं या फिर मार्केट से आपको पैसे गवर्नमेंट तक पहुंचाने हैं, यानी कि फॉर इंजेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्यूरेबल लिक्विडिटी रिस्पेक्टिवली। और यहाँ पे लिक्विडिटी यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो ये ओपन मार्केट ऑपरेशन है जहां पे आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय या फिर सेल कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं एमएसएस की, यानी कि मार्केट स्टेबिलाइजेशन स्कीम। तो मार्केट के अंदर स्टेबिलाइजेशन लाने के लिए कौन कौन सी स्कीम्स कौन सी स्कीम है और किस तरह से वर्क करती है, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। ये जो स्कीम है वो सबसे पहले आई थी मॉनिटरी मैनेजमेंट के तहत 2004 के अंदर। ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर की जो सरप्लस लिक्विडिटी होती है, जिसका जो नेचर है, जो फंड आया है उस फंड का जो नेचर है वो है लार्ज कैपिटल इनफ्लो। अगर किसी बैंक के पास बहुत बड़ा कैश इनफ्लो होता है तो उस अमाउंट को वो शॉर्ट टर्म सेल के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी बाय कर लेते हैं, और ट्रेजरी या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज बाय कर लेते हैं या फिर ट्रेजरी बिल्स बाय कर लेते हैं, और ये चीजें ये लोग दे देते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, ताकि जो कैश उनके पास एक्सेसिव कैश आया है उस कैश को सेपरेटली ये गवर्नमेंट अकाउंट के अंदर मैनेज कर सके अंडर द हेड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि अगर इस चीज को सिंप्लीफाई फॉर्मेट में देखा जाए तो मार्केट स्टेबिलाइजेशन स्कीम इज यूजफुल व्हेन अ बैंक और अ ब्रांच ऑफ इट हैविंग इनफ्लो ऑफ कैश इन वेरी हाई अमाउंट, और उस अमाउंट को किस तरह से सेफली सिक्योरली एक तरह के स्कीम को एडवांटेज लेते हुए गवर्नमेंट यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पहुंचा देना, ताकि जो स्टेबिलिटी है मार्केट के अंदर वो भी मेंटेन हो सके और इसके अलावा बैंक के ऊपर जो रिस्क है उसके ऊपर भी कंट्रोल लाया जा सके। तो ये पूरा मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर आर्टिकल था। तो स्टार्टिंग में हमने दो क्वेश्चंस देखे थे जिसमें अंदर एक मेंस का एक क्वेश्चन था, व्हाट इज लिक्विडिटी ट्रैप। तो ये जो सारे नौ इंस्ट्रूमेंट्स हमने देखे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, इसके बाद हमने देखा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, कॉरिडोर क्या है, बैंक रेट क्या है, कैश रिजर्व रेशियो, स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, मार्केट स्टेबिलाइजेशन स्कीम्स। अगर इस स्कीम्स का एडवांटेज लेते हुए, नो इंस्ट्रूमेंट्स, इन चीज का एडवांटेज लेते हुए कोई भी बैंक जब अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन ना करते हुए मार्केट के अंदर ज्यादा कैश का आउटफ्लो कर देती है, अपने पास जितने फंड्स है उससे ज्यादा फंड्स का मार्केट के अंदर आउटफ्लो कर देती है एज अ पार्ट ऑफ लोन क्रेडिट और डिपॉजिट इन कैश और थ्रू क्रेडिट, दैट इज द सिचुएशन वेयर अ ट्रैप इज बीन क्रिएटेड रिलेटिंग टू लिक्विडिटी। तो ये पूरा का पूरा आंसर कुछ इस तरह से बनेगा कि आपको पहले मॉनेटरी पॉलिसी, उसकी कमिटी, उसका फ्रेमवर्क, वो सारी चीज बतानी है। इसके बाद आपको बताना है कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है, ये नो इंस्ट्रूमेंट, और हर नो के नो इंस्ट्रूमेंट के अंदर आपको जब भी बैंक अपने राइट्स को ओवरवेल करती है, ओवर रूल करती है, तो वहां पे हर चीज को इलाबरेट करते हुए बताना है, और वहां कंक्लूजन के अंदर आपको बताना है एट द एंड क्या होता है कि मॉनिटरी पॉलिसी का और उसके इंस्ट्रूमेंट्स का अगर एडवांटेज नेगेटिव व्यू पॉइंट से लिया गया है तब जाके लिक्विडिटी का ट्रैप जनरेट होता है और उसको भरना काफी मुश्किल है। और इसके अंदर आप लेमन ब्रदर्स जो कि अमेरिकन बेस्ड कंपनी थी उसका एग्जांपल भी इसके साथ आप केस लॉ के तौर पे लगा सकते हैं। द इवेंट वाज इन द ईयर 2006। तो दोस्तों द कंक्लूडिंग पार्ट इज दैट कि मॉनिटरी पॉलिसी एंड द मॉनिटरी इंस्ट्रूमेंट्स आर कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल बैंक दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विच वर्क्स ऑन थ्री थिंग्स दैट इज अवेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, इंटरेस्ट रेट एंड मनी सप्लाई। और इसका जो अल्टीमेट गोल है वो है इकोनॉमिक पॉलिसी जो नेशन के अंदर बनाई जाती है उसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करवाना। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके ऊपर हमें डिटेल पूरी डिटेल्स हमें बताइए। आप इस वीडियो के ऊपर अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट्स के अंदर हमें बताइए। अगर आप इसके अलावा कुछ चीज़ सीखना चाहते हैं तो हमें ये भी बताइए। हमारे चैनल के साथ बने रहे, इस वीडियो को लाइक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूले, ताकि आपको पता चल सके हमारे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन। और इसके अलावा याद रखिए 13th मई 2018
We are starting the video lecture and syllabus course for 18 general studies subject, and we are giving early bird discount to the one who is going to register on or before 13th May 2018. So stay tuned with us. Jai Hind, Bharat Mata Ki Jai.